ओ तेरी, क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा बूढ़ा नौकर कैसे आराम फरमा रहा है। इस बुड्ढे की इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ उसको। ये लो मैम साहब, साहब के जूते। कितने पैसे हुए? 10 रुपए हुए मैम साहब। क्या कहा, 10 रुपए? लूट मचा रखी है बिल्कुल ही। 10 रुपए में तो मैं 2 बार पॉलिश करा लूंगी। ये ले 5 रुपए। नहीं मैम साहब, 10 रुपए चाहिए मुझे। 8 रुपए की पॉलिश लग गई इनमें और 2 रुपए मेरी मेहनत के। देख 5 रुपए लेने हैं तो ले, वरना ये भी नहीं दूंगी। मैम साहब पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, मेहनत के मांग रहा हूँ, भीख में नहीं। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक तुझे अभी बताती हूँ। बोल और मांगेगा पैसे? ये ले। नहीं मैम साहब, गलती हो गई मुझसे। नहीं नहीं, और मांग, अब क्यों मना कर रहा है? रुकिए मैडम, क्यों मार रही हो आप इस बेचारे को? क्यों, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं कुछ भी करूं? देखिए मैडम, ये बेचारा बहुत गरीब है, इसके माँ बाप भी नहीं है, अपना पेट भरने के लिए ये जूते पॉलिश करता है। और मैडम आप तो पढ़ी लिखी अमीर लड़की लगती हो, और अगर आप जैसे लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर गरीबों का क्या होगा मैडम? तो मैंने क्या गलत किया है? 5 रुपए लगते हैं पॉलिश के, ये मुझसे 10 मांग रहा है, इसकी गलत बात नहीं है क्या ये? मैडम शायद आपको गलत फहमी है, 10 रुपए ही लगते हैं कम से कम पॉलिश के। अच्छा अब तू भी इसकी साइड लेगा? तुम गरीब लोग होते ही जैसे हो, अमीर लोग देखते ही पीछे पड़ जाते हो तुम कुत्तों की तरह। लेकिन बेटा अब इसे 10 रुपए तो छोड़, 5 रुपए भी नहीं दूंगी। जा तुझे जो करना है कर ले। पैसे तो देने पड़ेंगे मैडम, मेहनत की कमाई है, हराम की नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने 10 रुपए के लिए मेरा हाथ पकड़ा? रुक तुझे अभी बताती हूँ। बेटा आज के बाद छूना तो दूर, देख भी मत लेना मेरी तरफ। पैसे के बहाने मुझे छूने की कोशिश कर रहा है, अभी एक शोर पे ना लोग आकर के तेरा मुंह तोड़ देंगे। बड़ा आया मुझसे पैसे लेने वाला। चल हट बुड्ढे। मैम साहब मेरे से तबीयत खराब चल रही है, अगर कुछ पैसे मिल जाते हैं तो मैं दवाई ले आता। बुड्ढे कितनी बार बोला है मैंने तुझे कि सुबह सुबह पैसे मत मांगा कर, एक बार की बात समझ नहीं आती क्या तुझे? मैम साहब सुबह थोड़ी ही है, 10 बज रहे हैं, फिर आप रात को लेट आती हो, उस वक्त भी आप पैसे देने से मना कर देती हो। तो फिर मैं क्या करूँ, काम छोड़ के तेरे पैसे देने आऊँ क्या? नहीं मैम साहब, आप घर में किसी और से बोल दीजिए पैसा देने को, या फिर आप खुद ही दे देना सुबह, जिससे मुझे मांगने नहीं पड़ेंगे। अच्छा सुबह सुबह मुझे और कोई काम नहीं है जो तेरे पैसे देने आऊँ? और बुड्ढे तू ये बता तुझे किस बात के पैसे दूँ मैं, एक काम तो तू ढंग से करता नहीं है, ये गाड़ी देख कितनी गंदी है, जैसे सालों से कभी धुली ना हो। मैम साहब साफ तो है, अभी कपड़ा मारा है मैंने। अच्छा तो मैं पागल हूँ जो ऐसा बोल रही हूँ? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे नौकरी से निकालना ही पड़ेगा, चल निकल। नहीं मैम साहब ऐसा मत कीजिए, मैं दोबारा से साफ कर देता हूँ। चल हट अब साइड हो, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है। पिताजी आ गए आप, अब बैठिए मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। लो पिताजी। क्या हुआ पिताजी, आप उदास क्यों हो? आज भी मालिक ने पैसे नहीं दिए क्या? बेटा आज भी पैसे नहीं दिए मालिक ने। तो पिताजी आप वहाँ पर काम करना छोड़ क्यों नहीं देते? पूरे 6 महीने हो गए हैं, आपको मालिक ने एक पैसा तक नहीं दिया। बेटा छोड़ तो दूँ, लेकिन फिर मुझे इस उम्र में कौन काम पर रखेगा? और जब तक तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, तेरी नौकरी नहीं लग जाती, तब तक तो मैं काम करूँगा ही, वरना तुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और अभी तुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तू मेरी टेंशन मत ले, जब तू सीए बनेगा ना तभी तो सारी टेंशन अपने आप ख़त्म हो जाएगी। बोल बनेगा ना तो सीए? हाँ पिताजी मैं ज़रूर बनूँगा सीए।
तुम्हारा बूढ़ा नौकर कैसे आराम फरमा रहा है? इस बुड्ढे की इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ उसको। कामचोर बुड्ढे, मैं तुझे काम करने के पैसे देती हूँ या यहाँ पे आराम फरमाने के? मैम साहब, कार साफ हो गई है, मुझे बहुत तेज बुखार है, इसलिए थोड़ा आराम करने लगा था। अच्छा, मेरे सामने नाटक करता बुखार का? चल खड़ा हो, खड़ा हो जल्दी। चल फिर से साफ कर गाड़ी को। नेम साहब, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे कौन करता है अपने से बड़ों के साथ? क्यों, तू रोकेगा मुझे? एक मिनट, तू तो वही है ना जो उस दिन उस बच्चे के लिए लड़ रहा था मुझसे, और आज इस कामचोर बुड्ढे के लिए मुझे बदतमीज बोल रहा है? नेम साहब, तमीज में बात करिए, ये मेरे पिताजी हैं और ये कामचोर नहीं है, बल्कि आप बेहद लालची, घमंडी और बदतमीज लड़की हो, जिसे दूसरों से बात करने की ही तमीज नहीं है। अच्छा, अब तू सिखाएगा मुझे तमीज? बेटा, तुम गरीब लोग ना तमीज से बात करने के लायक ही नहीं हो, और ना तुम्हारी कोई इज्जत है जो मैं तुमसे ढंग से बात करूं। खैर ये सब छोड़, तू ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मुझसे ही उल्टा बोलने की? बेटा, तेरे इस बुड्ढे बाप की भी औकात नहीं है मेरे बीच में बोलने की। क्यों बुड्ढे, बताया नहीं तूने इसको? मैम साहब, माफ कर दो इसे, इसे मालूम नहीं है आपके बारे में। तो फिर बताया क्यों नहीं तूने इसे मेरे बारे में? चल निकल यहाँ से, अब मुझे नहीं रखना तुझे अपने काम पे। एक तो काम नहीं करता ढंग से, ऊपर से अपने बदतमीज बेटे को और बुला के ले आया है। मैम साहब, ऐसा मत कीजिए, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। देख, मुझे नहीं सुनना कुछ भी, अब निकल यहाँ से। मैम साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे काम से मत निकालिए। देख लिया बेटा, ये औकात है तेरे बाप की मेरे सामने, और तू मुझसे जुबान लड़ा रहा था। पिताजी, चलिए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है ऐसी जगह काम करने की जहाँ लोग हमारी इज्जत ना करें। हाँ हाँ, ले जा अपने बाप को, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है ऐसे काम चोर की, एक काम तो ये ढंग से करता नहीं है। यार तू तो बहुत तेज निकली, 6-7 महीने काम भी करा लिया इस बुड्ढे से और एक पैसा भी नहीं दिया। ऐसे ही फ्री में काम करवा लेती हूँ मैं। विकास, क्यों बुला लाया? अभी सुमर में मुझे कोई काम भी नहीं देगा, और ना वो अब पैसे देगी, 6 महीने के पैसे रोके हुए हैं मेरे। पिताजी, आप बेकार में उम्मीद लगाए बैठे थे वहाँ, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, ये बहुत ही लालची लड़की है, 5 रुपए तक नहीं देती है किसी गरीब के, और आपके पैसे भी वो कभी नहीं देती, बस आपको झूठी उम्मीद दिए रखती। लेकिन अब कहाँ मिलेगा मुझे काम, अगर मुझे काम नहीं मिला तो तेरी पढ़ाई कैसे करा पाऊंगा? मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया बेटा, अब मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं तेरी पसंद की पढ़ाई करा सकूं, तेरी पसंद की चीजें दिला सकूं। इच्छा होते हुए भी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। कोई बात नहीं पिताजी, आप ऐसा मत सोचिए, और सब कुछ आपका दिया हुआ ही तो है, और मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, क्या हुआ पिताजी आपको? पिताजी, क्या हुआ आपको? पिताजी, कुछ तो बोलिए पिताजी, क्या हुआ आपको? चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, आप इधर लेटिए, मैं सवारी देख कर आता हूँ। भाई भाई भाई, प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। चलो भाई, जल्दी मेरे भाई। भाई भाई भाई, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, प्लीज इन्हें ले चलो। लाइए जल्दी से। चलिए पिताजी, आइए। हाँ हाँ, आज कर दूंगी मैं तेरा सारा हिसाब। बोलो अभिषेक, क्या बात है? यार मिष्टी, तुमने जो शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे ना, वो सारे डूब गए हैं, और तुम्हें पूरे 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, ये देखो। अब क्या करूंगी अभिषेक, मैंने तो लोगों से कर्जा लिया है ब्याज पे, ये सोच के कि करोड़ों का फायदा होगा, लेकिन अब कैसे लौटा पाऊंगी मैं? मिष्टी,
मेरे जानकार हैं एक सीए, तुम उनसे मिल सकती हो, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर सके। अच्छा, प्लीज जल्दी मिलवाओ मुझे उनसे। ठीक है, मैं बात कर लूंगा उनसे, तुम मिल लेना। ठीक है, मैं उनसे मिल लूंगी जाके। तू तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ के मालिक से मिलने आई हूँ, लेकिन अब तेरी शक्ल देख ली ना, लगता है पूरा दिन बर्बाद जाएगा। दिन तो पक्का खराब जाएगा तेरा। अच्छा, सीए की कुर्सी पे बैठ के खुद को सीए ही समझ रहा है? रुक, अभी करती हूँ तेरी शिकायत। क्या हुआ मिष्टी, किसे फोन कर रही हो? अरे यार, तुम्हारा सीए अभी तक आया नहीं है और ये पता नहीं कहाँ से आ गया मेरा दिमाग खराब करने, इसी की शिकायत कर रही हूँ मैं सीए से। अरे पागल हो गए तुम, यही तो सीए है। क्या, ये सीए है? सर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको पहचाना नहीं। माफ कर दूं, वो भी तुझे? शर्म आनी चाहिए तुझे माफी मांगते हुए, क्योंकि तूने जो पाप किया है वो माफी लायक नहीं है। तेरे जैसे लोग लालच और घमंड में इतने चूर हो जाते हैं कि तुम्हें अपने फायदे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तुम जैसे लोग अपने फायदे के लिए गरीबों पर अत्याचार करते हो, उनका फायदा उठाते हो, उनका हक मारते हो और फिर उन्हीं पर दोष दिखाते हो। और बेटा, गरीबों के साथ अन्याय करने वालों को मैं तो क्या ऊपर वाला भी माफ नहीं करता। चल अब निकल यहां से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, नई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मुझसे बात करने के लिए कुछ भी सजेशन देना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, सामने यूजर आईडी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, बाय।